गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11, चैप्टर नंबर 7। तो स्टूडेंट, जो इस चैप्टर है, चैप्टर का नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो हमने इसके अंदर जो 7.1 एक्सरसाइज थी, बेसिक था, तो वो मैंने कल कंप्लीट करा दी है। अब बात करते हैं स्टार्टिंग की, फैक्टोरियल क्या है। फैक्टोरियल, अब फैक्टोरियल स्टूडेंट, मैंने कल बताया था कि फैक्टोरियल परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों में यूज आएगा। क्या है, पहले फैक्टोरियल स्टार्ट करते हैं। फैक्टोरियल को हम जैसे 2 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल की क्या है, नोटेशन। ओके, मींस एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल है क्या, एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू ऑल नेचुरल नंबर्स। मीन्स एन फैक्टोरियल को कैसे, ये जो सिंबल है ये किसका है, फैक्टोरियल का सिंबल है। या अदर वर्ड्स में अगर मैं दूसरा फैक्टोरियल का सिंबल बोलूं तो 2 फैक्टोरियल या एन फैक्टोरियल। ये जो सिंबल है ये भी फैक्टोरियल का है, ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल है ये फैक्टोरियल का है, एन फैक्टोरियल ये भी फैक्टोरियल का। बट हम थ्रू आउट दिस चैप्टर यूज दिस नोटेशन ऑफ फैक्टोरियल, क्लियर, ये यूज करेंगे हम, फैक्टोरियल का ये सिंबल यूज में आएगा, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है, मैं ये क्लियर कर देता हूं। एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू, मैंने अभी बताया, ऑल नेचुरल नंबर्स, जैसे एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, डैश 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 डैश, 3 2 1, 1 तक जाएगा स्टूडेंट। 1 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 1 के। 2 फैक्टोरियल क्या है, 2 इंटू 1, 1 तक जाएंगे जो भी फैक्टोरियल होगा। तो 8, अगर मैं 5 फैक्टोरियल की बात करूं तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्लियर, बिकॉज 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 के इक्वल है। तो ये 1 फैक्टोरियल लास्ट में जहां पे भी रुकेंगे हम वहीं पे फैक्टोरियल आएगा, तो 1 फैक्टोरियल किसके इक्वल हो जाता है, 1 के। तो इसीलिए ये 1 तक जाएगा, माइनस में नहीं जाता है फैक्टोरियल। नेक्स्ट, अगली बात स्टार्ट करते हैं। अगर मैं लिखा 6 फैक्टोरियल, अगर हमें कहीं पे स्टॉप करना है, मीन से 4 तक लेके जाना है, 6 इंटू 4 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, जहां पे स्टॉप किया वहीं पे क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल आ जाएगा। जैसे आप कहेंगे कि सर ये यूज कैसे आएगा, देखिए अगर ऊपर है 8 फैक्टोरियल अपॉन में है 6 फैक्टोरियल, तो कहां तक लेके जाएंगे, जो ऊपर वाला फैक्टोरियल है, पहली चीज तो अगर फैक्टोरियल तो आपस में 2 4 जा 2 3 जा 6 कभी भी कैंसिल आउट नहीं होंगे, क्लियर। अगर फैक्टोरियल नहीं है तभी वो कैंसिल हो सकते हैं, अदरवाइज कैंसिल नहीं होंगे। बट ये जरूर है कि 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल है तो ये कैंसिल हो जाए, क्यों, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ पे भी 6 को अगर फैक्टोरियल खोलेंगे तो क्या होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 1। अब बात आती है ये जो बड़ी डिजिट है फैक्टोरियल में 8, उसको छोटी डिजिट तक लेके आएंगे कैसे, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल। अब मैंने कहा था ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आई, 56, क्लियर स्टूडेंट। और देखिए कोई एग्जांपल मैं दे देता हूं, जैसे 0 फैक्टोरियल, यहां से एक चीज और देखिए, 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अगर 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल नहीं होता बाय चांस, तो अगर मैं किसी को भी लिखता तो ये कहां तक जाता, 2 इंटू 0 तक जाता, 0 मल्टीप्लाई में आने के बाद कंप्लीट क्या हो जाता, 0 हो जाता। इसलिए 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, क्योंकि फैक्टोरियल की डेफिनेशन ही बिल्कुल अलग हो जाती है, फैक्टोरियल बचता ही नहीं हमारे पास कुछ, तो 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, ठीक है। अब अगली बात पे चलते हैं। अगर आप कहें कि सर कोई बड़ी डिजिट है जैसे 7 24 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, तो इसमें क्या किया जाए, इसमें किया जाए कि इसको कहां तक सिंप्लीफाई करें, क्या किया जाए, इसमें इसको लास्ट तक लेके ही जाना पड़ेगा तब ये सिंप्लीफाई होगा, अदरवाइज सिंप्लीफाई नहीं होगा, बिकॉज 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कब कैंसिल होगा, इसको 2 फैक्टोरियल तक लेके जाएंगे, नहीं तो ये एज इट इज रहेगा, तो इतनी बड़ी डिजिट आएगी नहीं। तो इस पे बेस्ड जो एक्सरसाइज 7.2 है, आज वो कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए वो बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, जो मैंने बातें बताई हैं बेसिक चीजें, ये ही यूज में आएंगी सेकंड एक्सरसाइज के अंदर। देखिए क्योंकि फैक्टोरियल का यूज हमारा किस में होगा, परम्यूटेशन तो होगा, उसके बाद मैं परम्यूटेशन बताऊंगा क्या होगी, परम्यूटेशन है क्या। तो
इवेलुएट जो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज सेवन पॉइंट टू। देखिए अब स्टूडेंट बात इसके अंदर क्या है, एट फैक्टोरियल को हमें क्या करना है, इवेलुएट करना है। अब एट फैक्टोरियल में अभी पीछे क्वेश्चन में बताया क्या है कि एन फैक्टोरियल क्या हो जाता है, एक एक वैल्यू कम होती चली जाती है मेन से। एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, क्लियर। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 40320, मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे जितना भी आएगा। ओके तो ये आ गया आंसर, ठीक है। अब बात आती है सेकंड पार्ट की, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आया फर्स्ट क्वेश्चन का, वो कह रहा 4 फैक्टोरियल -3 फैक्टोरियल, बताइए क्या है। अब स्टूडेंट बात ये है कि आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर फैक्टोरियल क्या कॉमन आ जाता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा था कि 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इन दोनों को डिवाइड करके आप कर दे कि 2 फैक्टोरियल आ गए, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता। सेम चीज यहाँ पे है कि 4 फैक्टोरियल -3 फैक्टोरियल आप 1 फैक्टोरियल कर दे, ये बिल्कुल गलत है। तो आप कहेंगे कि सर प्रूव करके बताइए कि ऐसा नहीं होगा। हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड की, 4 × 3 × 2 × 1 − 3 × 2 × 1, क्लियर। ये क्या है, 4 × 3 = 12, 24, 24 − 6 कितना आया, 18 आ गई वैल्यूज। बट यहां से क्या आ रही थी, 1 फैक्टोरियल, तो ये बात बिल्कुल गलत हो गई है कि 4 फैक्टोरियल -3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल के इक्वल होगा, ऐसा नहीं होगा, कभी भी फैक्टोरियल कॉमन नहीं आएगा। किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे मैंने आपको बता दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। यही सेम चीज है जो मैंने अभी अभी आपको बताई है सेकंड क्वेश्चन के अंदर। सेकंड क्वेश्चन में कहा इज 3 फैक्टोरियल + 4 फैक्टोरियल = 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल + 4 फैक्टोरियल = 7 फैक्टोरियल। क्वेश्चन में कहा कि क्या 3 फैक्टोरियल + 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल के इक्वल होगा या नहीं होगा। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि नहीं होगा, क्यों, जब माइनस ही नहीं हो रहा तो प्लस कहां से होगा। तो इसको हम चेक करके देखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड 3 फैक्टोरियल किया, तो 3 फैक्टोरियल + 4 फैक्टोरियल इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 × 2 × 1 + 4 × 3 × 2 × 1, याद है। ओके अब 3 × 2 = क्या हो गया, 6 + 12 × 24, यहां से वैल्यू क्या आई, यहां से आया 30। ओके तो 3 × 2 × 1 4 × 3 × 2 = 24 + 6 क्या आ गया, 30 हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की, 7 फैक्टोरियल 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 क्या आया, 30 30 और 12 360 × 14 कितना आया, 12 × 30 360 हो गया इंटू 2 और 7, तो क्या आया मल्टीप्लाई करके, 36 × 14, फोर जीरो फोर जीरो। वापिस चेक कर लेते हैं, ये आ रहा क्या, ओके 36 30 360, ओके जीरो हो गया, और यहां से 14 7 × 2 = 14 14 6 3 4 10 5 0 4 0, तो ये आया। तो अब लेफ्ट हैंड साइड क्या आई, लेफ्ट हैंड साइड आई 30 ≠ 5 0 4 0। तो स्टूडेंट यहां से हमें क्लियर हो गया कि 3 फैक्टोरियल + 4 फैक्टोरियल ≠ 7 फैक्टोरियल, क्लियर। तो ये चीज आपको क्लियर होगी होगी फैक्टोरियल वाली बात। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड देखिए, कंप्यूट
थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? कंप्यूट एट फैक्टोरियल अपॉन सिक्स फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल, एट फैक्टोरियल अपॉन सिक्स फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल, ये क्वेश्चन है। उन्होंने कहा कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए, करते हैं। तो मैंने अभी बताया कि जो ऊपर डिजिट है, जो भी बड़ी डिजिट है, उसको उसके बाद जो भी छोटी डिजिट है वहां तक सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे? 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब आप कहोगे क्या सर हम 8 को 2 फैक्टोरियल तक ले के जा सकते हैं? बिल्कुल ले जा सकते हैं, तो नीचे ज्यादा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ओके, तो यहां से क्या हो गया, 6 फैक्टोरियल तो ये हो गया कैंसल आउट, अब बच गया 2 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल तो बचा ही नहीं, इसका मतलब इसको 2 को क्या कर दें, 1 तक। तो 2 4 जा 8, तो यहां से क्या आ गया, 28 वैल्यू आ गई। फिर वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, 8 फैक्टोरियल को आपके दिमाग में एक चीज और भी आ रही होगी, क्या कि सर 8 को हम 1 तक लेके जाएं, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ओके, और 6 को ही 1 तक ले जाए, 2 को ही 1 तक ले जाए, उनको कैंसल आउट करें, वो भी कर सकते हैं आप, उसमें भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट यहां से क्या होगा, इजी हो जाएगा। मैंने क्या किया, 8 को जो बड़ी डिजिट है, बड़ा फैक्टोरियल है, उसके बाद तो वहां तक कर दिया फैक्टोरियल में, ओके, उसके टुकड़े कर दिए। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल एज इट इज है, कैंसल आउट हो गया, और 2 फैक्टोरियल क्या हुआ, 2 इंटू 1, तो इनको कैंसिल करने के बाद 7 फोर जा 28, तो 28 क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हो गया। अब बात करते क्वेश्चन नंबर फोर्थ की, देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, इफ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू एक्स बाई 8 फैक्टोरियल। अब बात आती है यही है, उन्होंने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अब आप क्या करेंगे, आप करेंगे 1/6 को 1 तक ले जाओ, 7 को 1 तक, 8 को 1 तक, और इनको सिंप्लीफाई करें। इसका एक इजी मेथड भी है, वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। देखिए अगर 8 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में इस साइड लेके आऊंगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। देखिए क्या, 8 फैक्टोरियल इंटू में 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू एक्स। ये स्टूडेंट ये बात क्लियर। अब 8 फैक्टोरियल को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल अपॉन में 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू एक्स। देखिए अब ये बात मैं पिछले क्वेश्चन में भी आपको बता के आया हूं कि 8 के बाद बड़ी डिजिट क्या है, 6, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल ये हो गया कैंसिल, प्लस 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन में 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू एक्स, ये कैंसिल आउट हो गया। 56 प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स, 64 इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू यहां से क्या आ गई, 64। मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, देखिए ये 1/6 फैक्टोरियल था प्लस 1/7 फैक्टोरियल। अब आप ये भी पूछेंगे कि हम इसको डायरेक्ट करें तो भी आंसर यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा। अगर आप डायरेक्ट चेक करें कि 6 को 1 तक ले जाए, 7 को 1 तक ले जाए, उनकी मल्टीप्लाई करें, उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा होगी स्टूडेंट, क्लियर। तो हमने क्या किया, 8 फैक्टोरियल को इस साइड लेके आए तो ये मल्टीप्लाई में आ गया, मल्टीप्लाई में आ तो दोनों साइड अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों के वैल्यू को सिंप्लीफाई करके और एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 64 आ गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या, इवेल्युएट इवेल्युएट एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर होल फैक्टोरियल। इसके बाद मैं इस चीज के बारे में बताऊंगा ये चीज क्या है, ठीक है। तो जैसे इसने तो क्या है, इवेल्युएट करना है, फर्स्ट पार्ट एन की वैल्यू क्या है, 6, और आर की वैल्यू क्या गिवन है, आर की वैल्यू है 2, तो इसकी इसको इवेल्युएट करना है। तो एन की वैल्यू पुट कर देते हैं और आर की वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट इसमें। देखिए तो यहां से क्या आया, 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस 2 होल फैक्टोरियल, क्लियर।
एन की वैल्यू 6 पुट कर दी, यहाँ पे 6 माइनस 2 क्या आ गया, 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ गया 30। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। अगर सेकंड पार्ट करेंगे आप तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9, 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 माइनस 5, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। उसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये एक्सरसाइज फैक्टोरियल वाली बात क्या होगी, क्लियर होगी स्टूडेंट। तो इसमें मैं थोड़ी सी बातें और बताता हूं इसके बाद। अब आते हैं हम परमुटेशन पे। ठीक है, ये एक्सरसाइज तो होगी कंप्लीट। अब बात करते हैं परमुटेशन की। परमुटेशन है क्या, सुनिए, परमुटेशन है द नंबर ऑफ परमुटेशंस, द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम। ओके, और इसमें रिपीटिशन इज ऑब्जेक्ट्स इज नॉट रिपीटेड, ऑब्जेक्ट्स की मींस रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो क्या होगी, हमारी परमुटेशन होगी। और इसको डिनोटेड किससे करेंगे, कि परमुटेशन इज डिनोटेड बाय एन पी आर। अब एन क्या है, एन है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, जितने भी सारे के सारे नंबर, जितने भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट है ना, वो सारे के सारे क्या है, एन। उसमें से आर एट ए टाइम, एक टाइम पे कितने ले रहे हैं, तो आप कहेंगे कि सर इसको एक्सप्लेन कीजिए क्या है। पहले तो मैं बता देता हूं कि मेरे पास टोटल नंबर कितने हैं, मान लिया 8 टोटल नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर कितने हैं, 8। 8 नंबर्स में से मेरे को 4 डिजिट का नंबर बनाना है, कितने डिजिट का, 4 डिजिट का, मीन से टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए, 8, और टेकन आर एट ए टाइम, आर क्या हो गया, 4, मीन्स एक टाइम पे कितने ऑब्जेक्ट्स का हम क्या बना रहे हैं, नंबर बना रहे हैं, कितनी डिजिट्स का बना रहे हैं, 4 डिजिट्स का, 4 डिजिट का क्या बना रहे हैं, नंबर। तो मीन्स क्या हो जाएगा, 8p4, क्लियर। अब आप कहेंगे कि सर अब ये चीज जो हम फर्स्ट एक्सरसाइज में करके आए थे, हम फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या करके आए थे, कि हमने क्या बनाए थे, बॉक्सेस बनाए थे, और बॉक्सेस में क्या लिखा था हमने, कि नंबर ऑफ वेज फाइंड किए थे हमने, कि कितने नंबर ऑफ वेज बनेंगे 4 डिजिट का नंबर बनाने के। तो जो बॉक्सेस थे उनके अंदर हमने क्या किया था, ऑप्शंस, नंबर ऑफ ऑप्शंस पुट की थी, कि कितने नंबर ऑफ ऑप्शंस पुट होंगे उसके अंदर, क्लियर। तो अब बात आती है एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है, एनपीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन में आर एन माइनस आर होल फैक्टोरियल। ये किसका फॉर्मूला होगा, एनपीआर, एनपीआर क्या हमारा, पी बोले तो परमुटेशन, एन क्या होगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, आर क्या होगा टेकन आर एट ए टाइम, जितने भी ऑब्जेक्ट्स का हमें एक बार में लेना है टोटल में से। अच्छा यहां से एक चीज तो क्लियर हो रही होगी, n always greater than or equal to r, n always greater than or equal to r। अब आप कहेंगे कि इसका मतलब क्या, सर ये बताइए, मैं कह रहा हूं मेरे पास 8 डिजिट्स हैं, और आप क्या ये कह सकते हैं कि हम 9 डिजिट का नंबर बना देंगे, सर बिल्कुल नहीं बोल सकते। 8 नंबर्स में से कितने डिजिट का नंबर बन सकता है, 8 मैक्सिमम, n greater than or equal to r, या तो n r के इक्वल होगा या n ऑलवेज r से क्या होगा, बड़ा होगा, क्लियर। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 8p9, r कभी भी नहीं बन सकता बड़ा, ग्रेटर कभी नहीं होगा, क्यों, कि n तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, और r उनमें से, उन ऑब्जेक्ट्स में से जो एक बार में ले रहे ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब टेकन r एट ए टाइम, एक टाइम पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स को चूज कर रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल ही क्या होगी, गलत होगी। तो ऑलवेज हमेशा याद रखेंगे कि n ग्रेटर देन और इक्वल टू r होगा, क्लियर। तो ये चीज जो मैंने बताई है ये थी परमुटेशंस। अब इस पे बेस्ड हम क्या करेंगे क्वेश्चंस, जो हम फर्स्ट एक्सरसाइज करके आए थे, फर्स्ट एक्सरसाइज करके आए थे उसमें जो काम किया था वही सेम काम हमें यूजिंग परमुटेशन करना है, वही सेम चीज थी। हमने वहां पे क्या बनाया था, बॉक्सेस बनाए थे,
बट यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बनाएंगे। वहां पे जैसे मैंने कहा 10 नंबर्स हैं, और 4 डिजिट का नंबर बनाना क्या हो जाएगा, 10 की 4 सिक्स नंबर है, और 4 डिजिट का नंबर बनाना क्या हो जाएगा, 6 P 4। क्लियर स्टूडेंट? तो अब बात आती है, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, है तो परम्यूटेशन है। अब आप कहेंगे सर रिपीटिशन इज अलाउड हो तो अलाउड हो तो परम्यूटेशन नहीं लगेगी, वहां पे फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा एन रेज टू पावर आर। ओके, तो कैसे आप कहेंगे सर, एग्जाम्पल दीजिए क्या है। मैंने कहा 8 नंबर्स हैं, 8 नंबर्स, रिपीटिशन इज अलाउड, ठीक है। तो रिपीटिशन इज अलाउड है तो 3 डिजिट का नंबर बनाइए, तो क्या होगा, 8 रेज टू पावर 3, मीन्स 8 × 8 × 8। अब आप कहेंगे कि ये सर सही है क्या, हमें चेक करना है। चेक कैसे होगा, उसी बॉक्स वाले से आ जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने पुट हुए, 8, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, वही सेम चीज उसी पे आ जाते हैं। नंबर ऑफ ऑप्शंस आर पुट इन बॉक्सेस, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने, 8। इसमें भी कितने होंगे, बिकॉज रिपीटिशन इज अलाउड, यहाँ पे भी 8 होंगे और यहाँ पे भी स्टूडेंट क्या होंगे, 8। तो 8 × 8 × 8 क्या हो गया, 8 रेज टू पावर 3। तो याद रखेंगे, अगर रिपीटिशन इज अलाउड है तो फॉर्मूला क्या होगा, एन रेज टू पावर आर। एन टोटल नंबर है और आर टेकन एट ए टाइम। क्लियर? अगर वो रिपीटिशन इज नॉट अलाउड है तो एन पी आर होगा। एन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और आर क्या होगा, टेकन आर एट ए टाइम, और रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, और पी क्या होगा, परमुटेशन। क्लियर स्टूडेंट? तो ये बात होगी हमारी जो थर्ड एक्सरसाइज में हम काम करेंगे, उसके लिए मैंने बेसिक चीज आपको बता दी है। क्लियर? तो अब स्टार्ट, अब जो थर्ड एक्सरसाइज है, मैं जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आपको अपलोड करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जो थर्ड एक्सरसाइज है। क्लियर स्टूडेंट? तो यहां तक आपको फैक्टोरियल का कंसेप्ट क्लियर हो गया है, और अब आज के लिए इतना ही है। थैंक यू स्टूडेंट्स।